हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड डिजाइंस। आज मैं आपको दिखाऊंगी ब्यूटीफुल नेक एंड स्लीव डिजाइन, जिसे मैं गोटा पत्ती लेस के साथ रेडी करूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक पट्टी कट की है जिसे मैंने पेस्टिंग के साथ रेडी किया है। इस पे मैं गोटा पत्ती लेस लगाऊंगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने ये कितनी लंबी और कितनी चौड़ी ली है। तो ये देखिए, ये मैंने लगभग 17.5 इंच लंबी और ऐसे 3 इंच चौड़ी ली है। आप अपने अकॉर्डिंग चौड़ी या पतली ले सकते हो। तो चलिए इस पे मैं गोटा पत्ती लगाऊंगी। सबसे पहले मैं ऐसे इस तरीके से अपनी गोटा पत्ती लगाऊंगी, यहां से यहां तक। तो ऐसे मैंने तिरछी यानी कि डायगोनल शेप में गोटा पत्ती स्टिच करनी है। तो ये देखिए, ये हमारी एक लेयर लग चुकी है। ऐसे ही मैं पूरा नीचे तक इसको लगा लूंगी। मैंने लगभग 1-1 इंच का गैप देना है, आप अपने अकॉर्डिंग गैप दे सकते हो। तो ये देखिए, हमारी एक लेयर लग चुकी है। अब मैं दूसरी लेयर लगाने जा रही हूं इस तरीके से। ऐसे ऐसे मैंने नीचे तक पूरी लेयर स्टिच कर लेनी है 1-1 इंच के गैप के साथ। तो मैंने गोटा पत्ती के साथ कई डिज़ाइंस रेडी किए हैं। अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन प्रेस करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ हमारी सारी लेयर्स लग चुकी हैं। अब मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी। तो ऐसे मैंने एक तरफ इस तरीके से लगाई है, मैं इस तरफ ऐसे लगाऊंगी। तो ऐसे हमारे छोटे छोटे स्क्वायर्स बन जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। तो ये देखिए, ये हमारी एक लेयर लग चुकी है। ऐसे ही मैंने नीचे तक पूरा इस तरीके से 1-1 इंच के गैप पे, सेम इसी तरीके से मैंने इस पे भी 1-1 इंच के गैप पे लगा लेनी है ऐसे लेयर्स। तो ऐसे मैं सेकेंड लेयर भी स्टिच कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं वाइन कलर की कुर्ता पट्टी रेडी कर रही हूँ, इसको मैंने पिंक कलर के साथ कॉम्बिनेशन किया है। बेबी पिंक कलर की मेरी कुर्ती है, उस पर मैं ये वाइन कलर का कंट्रास्ट दे रही हूँ। तो इसकी जो पैंट है वो भी वाइन कलर की होगी। तो ऐसे ही हमने नीचे तक स्टिच कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पट्टी ऐसे रेडी हो चुकी है। दोनों तरफ की लेयर्स ऐसे लग चुकी हैं। तो अब मैं इसको फोल्ड करूंगी कुर्ता पट्टी की तरह। तो चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये देखिए, ये हमारी पट्टी है। अब मैं इसको ऐसे पलटूंगी, चाहे आप इसको सीधा रख के भी, आपने जितनी चौड़ी रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग इसको पलट सकते हो। इस पे हमारी पेस्टिंग ऑलरेडी लगी हुई है तो इससे ये फिनिशिंग के साथ पलटी जाएगी। मैंने दोनों तरफ से बराबर मार्जिन लिया है। तो ये देखिए, दोनों तरफ से पलटने के बाद ये ऐसे आ जाएगा ऊपर से। अब मैंने नीचे की तरफ ट्रायंगल बनाना है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ऐसे इसको नीचे से मैं फोल्ड करूंगी इस तरीके से, देन आफ्टर ऐसे। तो ये ऐसे हमारा ट्रायंगल आ जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से आयन कर दूंगी। आप ध्यान में रखिए, हमारा जो ट्रायंगल है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और दोनों की साइड इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम इसको नीचे से आयन कर देंगे। तो ये देखिए, ये नीचे से हमारा बिल्कुल इक्वल ट्रायंगल बना है। तो अब इसे कुर्ती पे स्टिच करूंगी। तो ये मेरी कुर्ती है, ये टाफ्टा का फैब्रिक है। अब मैं इसके ऊपर मैंने ये जो पट्टी रेडी की है कुर्ता पट्टी, वो स्टिच करूंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे। तो चलिए अब हम इसको स्टिच करते हैं। सबसे पहले हम इसके बिल्कुल सेंटर में रफ स्टिच करेंगे। तो ऐसे दोनों का सेंटर मिलाते हुए हमने यहाँ पे बिल्कुल इनके सेंटर में रफ स्टिच कर देंगे।
तो ऐसे हमने सेंटर के बिल्कुल रफ स्टिच कर लिया इन दोनों के सेंटर में। अब मैं बिल्कुल किनारी की सिलाई के साथ इसको स्टिच करूंगी, तो अब मैं फिनिशिंग के साथ ये किनारी की सिलाई दूंगी। आप भी ध्यान में रखिए, आपकी ये सिलाई फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए। आप थोड़ा धीरे धीरे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ दिखाई देती है, इसलिए इसको फिनिशिंग ज़रूरी होती है। तो अभी ये मैं कोना स्टिच करूंगी इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारी कुर्ता पट्टी ऐसे स्टिच हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर कोई भी नेक पलट सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे बोट नेक की शेप में वी नेक पलटूंगी थोड़ा ऐसे। तो चलिए अब मैं आपको गला काटना सिखा रही हूँ, ये कैसे काटा जाता है। तो ऐसे हम बुकरम लेंगे, आपने जितना चौड़ाई लेनी है गले की उससे एक इंच ज्यादा लें। तो इस तरीके से मैं लगभग 9 इंच यानी कि 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब नीचे से भी मैं इसी तरीके से 4.5 इंच पे मार्क कर लूंगी। तो ऊपर से हम गले की गहराई कितनी लेंगे, 4.5, तो 4 हमारी रेडी आ जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जितना भी आपने डीप करना हो या चौड़ा करना हो। तो इस तरीके से हमने शेप देनी है अपने नेक को। ऐसे हम शेप देंगे इसी तरीके से हम। तो ये एक तरह का वी, बोट में वी है। तो ऐसे अब हम बाहर की तरफ से तो ये हमारा बोट टाइप वी गला कट हो चुका है। अब मैं इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लूंगी। तो ये मैंने जो नेक कट किया है उसको मैंने इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लिया है, ये देखिए। तो अब इसको मैं अपनी कुर्ती के ऊपर स्टिच करूंगी। तो ऐसे मैं अपनी कुर्ती का सेंटर लूंगी, बिल्कुल सीधी साइड लेनी है हमने अपनी कुर्ती की। और इस तरीके से इसके सेंटर पे पहले हम रफ स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये रफ स्टिच लग चुकी है। मैं बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। तो अब मैं अपनी बुकरम के साथ साथ किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। आप ध्यान में रखिए, आपकी भी ये सिलाई बुकरम के साथ साथ आनी चाहिए, बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो ये मेरी किनारी की सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो इस तरीके से तो इस पे मैंने कट लगा लिया है। अब मैं इसको पलटूंगी। तो यहां पे आप इसको किनारी की सिलाई के साथ बिठा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा वी नेक जो है पलटने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक रफ स्टिच लगा दूंगी हेमिंग के लिए। आप चाहो तो किनारी की सिलाई भी लगा सकते हो। तो हमारा ये नेक कैसे रेडी हो गया है। अब मैंने यहां नीचे कुर्ता पट्टी के ये लटकन स्टिच करूंगी। तो ये देखिए, ये हमारा नेक कैसे रेडी हो चुका है। और ये मैंने ऐसे ही सेम स्लीव पे भी बॉर्डर दिया है, मैंने 4.5-4 इंच ही चौड़ा बॉर्डर दिया है। और ऐसे ही मैंने घेरे पे भी बॉर्डर दिया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने आगे घेरे पे सेम बॉर्डर दिया है। तो ये होगी मेरे डिजाइन की फाइनल लुक। तो ये देखिए, ये हमारा कितना ब्यूटीफुल डिजाइन रेडी हुआ है। ऐसे ही मैंने सेम डिजाइन के साथ एक ब्लैक कुर्ती भी रेडी की है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक और डिजाइन सेम तरीके से रेडी किया था, लेकिन ये मैंने बैन के साथ रेडी किया है विद प्लैकेट्स यानी कि कुर्ता पट्टी के साथ। तो ये देखिए, ये हमारी बैन के साथ कुर्ता पट्टी है। अब मैंने इसके घेरे पे भी रेडी किया है बॉर्डर, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो
तो ये देखिए ऐसे मैंने 3.5-3 इंच की चौड़ी पट्टी दी है घेरे पे भी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीड डिज़ाइंस। थैंक यू।